नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको सातों ग्रह सूर्य से शनि तथा राहु और केतु के कारक तत्वों के बारे में विस्तार से बताया था। अब मैं इन ग्रहों के गुण अवगुण प्रकृति नेचर इत्यादि के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मंत्रिमंडल। ग्रहों का भी अपना एक मंत्रिमंडल होता है जिसमें सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु मंत्री है, शुक्र मंत्री है, शनि सेवक है तथा राहु और केतु द्वारपाल है। फिर इनके बारे में वर्ण। सबसे पहले सूर्य क्षत्रिय वर्ण है, चंद्रमा वैश्य वर्ण है, मंगल क्षत्रिय वर्ण है, बुध वैश्य है, गुरु ब्राह्मण है, शुक्र ब्राह्मण है, शनि शूद्र व राहु और केतु मलेच्छ हैं। ग्रहों में भी जेंडर यानी कि लिंग होते हैं। सूर्य मंगल व गुरु पुरुष ग्रह हैं, चंद्रमा व शुक्र स्त्री ग्रह हैं, बुध नपुंसक पुरुष ग्रह है व शनि नपुंसक स्त्री ग्रह है, राहु और केतु दोनों स्त्री ग्रह हैं। इन ग्रहों में कुछ ग्रह शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं। सबसे पहले आपको शुभ ग्रहों के बारे में बताते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र, ये तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तथा मंगल शनि राहु और केतु अशुभ ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, चंद्रमा यदि पक्ष बली है, शुक्ल पक्ष का है तो वो शुभ है और कृष्ण पक्ष का अशुभ है। सभी ग्रहों से हम अपने परिवार के सदस्यों का विचार भी करते हैं। जैसे सूर्य से हम पिता, चंद्रमा से माता, मंगल से भाई बहन, बुध से मित्र संबंधी मामा मौसी, गुरु से संतान, शुक्र से पत्नी या जीवन साथी, शनि से नौकर का विचार करते हैं। अब मैं आपको तत्वों के बारे में बताता हूं। सूर्य तत्व चार प्रकार के होते हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र जलीय ग्रह हैं, बुध पृथ्वी ग्रह है तथा गुरु आकाश तत्व है, शनि वायु तत्व है। हमारे जीवन में केवल तीन प्रकार के ही दोष होते हैं जिनसे हमें सदा बीमारियां होती हैं, जिन्हें हम त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष होते हैं वात पित्त और कफ। सूर्य और मंगल पित्त दोष, चंद्रमा कफ, गुरु कफ तथा शुक्र भी कफ दोष है। इसके अलावा बुध में त्रिदोष यानी तीनों दोष हैं तथा शुक्र और शनि में वात दोष होता है। अब मैं आपको रंगों के बारे में कि ये किस कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य लाल रंग, मंगल लाल रंग, चंद्रमा सफेद, बुध हरा, गुरु पीला, शुक्र सफेद व शनि काला रंग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पश्चात हमारे शरीर की अंग या शरीर की धातुओं को भी ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य से हम हड्डी और नेत्रों का विचार करते हैं, चंद्रमा से रक्त का विचार करते हैं, मंगल से मज्जा यानी कि बोन मैरो का विचार करते हैं, बुध से स्किन त्वचा से संबंधित रोगों का विचार करते हैं, गुरु चर्बी मोटापे का कारक है, शुक्र वीर्य तथा शनि स्नायु तंत्र का कारक है। सभी ग्रहों की अपनी कोई एक राशि या दो राशियां
होती हैं जिनके वो स्वामी होते हैं। सबसे पहले सिंह, सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, गुरु धनु व मीन राशि का स्वामी है, शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है, तथा शनि की राशियां मकर और कुंभ है।